हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड दुर्गा पूजा पे बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। तो मैं भी इन्जॉय कर रहा हूँ अपने इलाके पर, मतलब अपने एरिया पे। तो आप भी इन्जॉय करना, और होगा तो इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करना और फोटो से अपना शेयर करना जरूर। ओके, और अभी इस वीडियो में आप जो अभी प्रीव्यू पे वीडियोज़ देखें, अगर आपको भी कुछ इसी तरह वीडियोज़ बनाना है तो वीडियो के साथ बने रहना। मैं इस वीडियो पे आपको दिखाऊंगा किस तरह आप इस तरह कीबोर्ड लेटर वाला अपना जो भी आपका मतलब आप नेम का जो भी आप जैसे कि स्टार्टिंग वाला नेम का वर्ड ले सकते हो, तो इस वीडियो पे मैं दिखाऊंगा आप बहुत ही इजीली बना सकते हो। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइज, बहुत ही जल्द मैं आप लोग के लिए मतलब सभी के लिए जो भी पैसा अर्न करना चाहते हैं, मैं आप लोग को एक सच में बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करूंगा, जो अगर आप उससे अगर फॉलो करते हो और दिल लगा के काम करते हो, दिल मीन्स आप दिन का 4 घंटा भी दे सकते हैं, लिटरली आप बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, मैं बता रहा हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, तो जल्दी वो मैं रिवील करूँगा। और आप भी सच में आप भी ऑनलाइन से इजीली पैसा कमा सकते हो, क्योंकि गाइज मैं ऐसा ऐसा इसमें प्रोसेस सब जान चुका हूँ ना, मतलब हिडन प्रोसेस जो सभी को पता ही नहीं होगा, बट मैं आपके साथ शेयर करूँगा बहुत ही मतलब बहुत ही इजीली। और आप लिटरली अगर आप मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा, और अगर आप सीख भी जाओगे ना बहुत ही ज़्यादा अर्न कर पाओगे। तो एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, और गाइज डिस्क्रिप्शन पे आपको 2 प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड नेम इफेक्ट एंड मार्क वाला प्रोजेक्ट, जिसका प्रीसेट फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। प्रीसेट फाइल पे दिक्कत हो रहा है तो XML फाइल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और यहाँ पर आप इसे यूज़ कर लेना। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि इनमें से आपका जो भी आपका नेम जो मार्क वाला प्रोजेक्ट है उसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ऑडियो मिलता है एंड मार्क मिलता है, तो आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे जाना होगा, और गाइज आपको एक फोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, ये वाला फोटोज़ को इंपोर्ट कर लेना। देन 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर लेना। अब अगर आप राइट लेफ्ट टू राइट कर रहे हो तो आप इस तरह फोटो का इधर लेफ्ट कर देना, कीबोर्ड मतलब जो भी आपका कीबोर्ड है उसका फोटो इस तरह, और राइट से लेफ्ट कर रहे हो तो सही है, या लेफ्ट से राइट कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जैसे कि आपको जो भी मर्जी है। जैसे कि अगर आप एस करना चाहते हो तो आप इधर से राइट से लेफ्ट से स्टार्ट करना। तो यहाँ पर मैं पहले फोटो को सेट कर चुका हूँ। अब आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, यहाँ पर एक की ऐड करना है। अब यहाँ एक की ऐड की, अब एंड पे एक की ऐड करना है, और इसे आपको इस तरह स्लाइड करना है। तो देख सकते हैं मैं इस तरह मतलब सही से एनिमेशन के ऐड कर चुका हूँ, और इसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ आप जैसे कि देख सकते हैं। तो इतना मैं कर देता हूँ पूरा एंड तक, तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। अब ये जो की है इसे आप होल्ड करके रखना है, और इसे एंड तक इस तरह एंड तक कर देना। अभी देख सकते हैं ये इस तरह आपका स्लाइड होके इधर आएगा। अब सेम इसी फोटो यहाँ पर फिर से और एक इसी फोटो को यूज़ करना है, और 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया, और आपको एंड तक एक्सटेंड कर देना है। अब यहाँ पर गाइस अभी जैसे कि आपको इसके अंदर एनिमेशन दे सकते हो, बट यहाँ पर मैं एनिमेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको जो भी लेटर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एस को यूज़ करूँगा, तो एस को आप ठीक मिडिल पे रखना सही से, जैसे कि मिडिल पे रहे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पर जैसे कि अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पर एस को मिडिल पे रखा हूँ। अभी आपको क्या करना होगा, इस मार्क से इस पे एनिमेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस मार्क से 5.119 से आपको एक वीडियो मिलेगा, ये वाला वीडियो उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो ग्लिच इफेक्ट वाला है, तो आपको जैसे कि और एक वीडियो रहेगा वो वाला वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करें, तो मैं करता हूँ, तो मैं ये वाला वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये वाला वीडियो को आपको यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं, इसका स्प्लैश एंड होगा, उसके बाद और एक स्प्लैश स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले आपको कट कर देना, जैसे कि ये वाला। तो यहाँ पर जब भी ब्लैक आएगा यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ, तो देख सकते हैं इस जगह पर ये थोड़ा सा और मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ, और जहाँ पर ब्लैक आ रहा है जैसे कि इस जगह पर कट कर दिया। अब यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर जाना होगा, लाइटन पर जाना होगा, और आपको स्क्रीन कर देना होगा। अब देख सकते हैं यहाँ इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना होगा, और XML प्रोजेक्ट और प्रीसेट फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो ये वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो हट है इसका इस वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर करना होगा। हट लेयर को कॉपी करने के बाद हट का अगर आप XML यूज़ कर रहे तो हट का फोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर रहेगा। अब यहाँ पर ये वाला जाके आपको पेस्ट कर देना होगा, और देख सकते हैं इससे उसके बाद आपको ये एस को कर रहे हो तो एस को इस तरह आप पूरा हट को इस तरह कर लीजिए, देन सेट कर लीजिए इससे। तो देख सकते हैं मैं इस तरह हट को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब
आप इतना करने के बाद आप देख सकते हैं इतना कर चुके। अब इसके अंदर क्या करना होगा, आपको बैक करना होगा और अपना प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा जो इफेक्ट वाला है। इसका जो नीचे पे कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड वाला फोटोज़ का 3 डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाने के बाद कॉपी इफेक्ट्स कर लीजिएगा इस तरह। अब बैक कीजिएगा। अब यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का अंदर जो कीबोर्ड्स हैं, इन दोनों फोटो कीबोर्ड्स फोटो पे आपको ये वाला पेस्ट कर देना होगा। तो ये वाला पर भी मैं कर देता हूँ इस तरह। अब देख सकते हैं इस पे पेस्ट करने के बाद वो भी उसके अंदर भी चला गया। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे कि इस मार्क पे आपको एक रेक्टेंगल चूज़ करना होगा और ये रेक्टेंगल कलर में कुछ ये वाला कर देता हूँ, जैसे कि अभी देख सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस आपको इसका एडिट का ऑप्शन पर जाना होगा, यहाँ पर एडिट शेप, और ये जो है आपका अपर वाला एक्स को कर देना है 132 और वाई को कर देना है 162। तो देख सकते हैं मैं 162 कर देता हूँ और इसे 35। और यहाँ पर डिफरेंस पे आपको जाना होगा और डिफरेंस पे जाने के बाद डिफरेंस को चूज़ कर देना होगा। अब यहाँ पर इसके अंदर आपको सेट करना होगा इसे, और उसके बाद इसका साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना होगा इतना, और थोड़ा सा आप देख लीजिए अच्छा से। तो यहाँ पर मैं इसे एंड तक पहले एक्सटेंड कर देता हूँ। अब इसे मैं यहाँ पर इस तरह एडजस्ट कर लेता हूँ इसके अंदर, तो देख सकते हैं इस तरह, और थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर लेता हूँ और सही से आप एडजस्ट कर लीजिए इसके अंदर। चलो सही है। अब इसके अंदर आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन पे जाके ऐड इफेक्ट, और यहाँ पर सर्च करना है एक्सपोजर एंड गामा का स्टैंडर्ड सेटिंग, और एक्सपोजर को आपको 180 कर देना होगा। 180 में यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 180 करने के बाद कुछ इस तरह देखने को मिलता है। अब इस लेयर को आप यहाँ पर प्रेस करके रखिएगा और जो आपका हर्ड वीडियो है उसका नीचे कर देना होगा और कीबोर्ड का जस्ट अपर पे कर देना होगा। और ये जो रेक्टेंगल है आप जो चूज़ किए इसका, आप यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इस वीडियो का आई को ऑप्शन पे करके हाइड करता हूँ, और इसे आप सही से इस यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा जैसा कि आप कर सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे कि छोटा करके थोड़ा से यहाँ पर सही से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इस आई को ऑप्शन पर क्लिक करके मैं इसे भी कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं इस तरह आपका आएगा, आपका जब हट इस तरह होगा यहीं पर आप देख सकते हैं 7 सेकंड पे इधर का कट कर देना होगा, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट को कट कर देना होगा इस तरह। और इसके अंदर इफेक्ट्स को ऑप्शन पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाना होगा और फेड इन फेड आउट सर्च करना होगा, तो इसका स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ करना होगा और फेड जो आउट है इसे 0 कर देना होगा और फेड को इन को सही रखना है 50 सेकंड तक। तो ये देखे ना आपको इस तरह ये धीरे धीरे ये वाला में हो जाएगा। इस तरह होने के बाद इस तरह देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बैक करना होगा और अपना जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाना होगा। यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा और ये वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी 5 लेयर्स, ये जो 5 राउंडेड रेक्टेंगल्स है अपर एंड डाउन वाला छोड़कर, उसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा पेस्ट लेयर कर देना होगा। और पेस्ट लेयर करने के बाद देख सकते हैं ये इस तरह आपका सेट हो चुका है। अब यहाँ पर गाइज आपको प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे जाना होगा, और गाइज आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, तो आपको ये वाला वीडियोस को यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो मेरा ये वाला वीडियोस है, मैं क्या करता हूँ 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी और लाइट इन पे जाके स्क्रीन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद कुछ इस तरह आपका हो जाएगा और देखने में सही लगता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस शेयर जो वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे डिलीट कर देना होगा और शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके यहाँ पर दिखा देता हूँ।